वेल सो गाइस, काफी लोग का जो है पीसी बिल्ड के टाइम एक सवाल होता है कि यार अपना जो ग्राफिक कार्ड है वो अपने बजट के हिसाब से कैसे चूज करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर आपका बजट 10,000 से लेके अगर 2 लाख या 2.5 लाख तक का है तो आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए। आज का वीडियो आपको पूरा देख के ये समझ आ जाएगा कि यार मेरा अगर बजट 10,000 रुपीज है या मेरा बजट 30,000 रुपीज है, 50,000, 60,000 ऐसा मेरा कुछ बजट है, तो हर बजट के लिए एक ग्राफिक कार्ड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देख के एक 10 साल का बच्चा भी आपको बताया था कि यार आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए और कौन सा ग्राफिक कार्ड नहीं लेना चाहिए। काफी लोग गलती करते थे कि वो गलत ग्राफिक कार्ड ले लेते हैं या फिर ओल्ड सीरीज का या ओल्ड जनरेशन का ग्राफिक कार्ड ले लेते हैं, फिर उससे उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, तो इस वीडियो में उनको पूरा नॉलेज मिल जाएगा ग्राफिक कार्ड का कि यार आप आने वाले टाइम में अपना बिल्ड के लिए या कौन सा ऐसा ग्राफिक कार्ड जो फ्यूचर प्रूफिंग है और आपको लगाना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफिक कार्ड कितना केपेबल है, कितने FPS की गेमिंग कराएगा, पूरा इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि मेरा नाम है चेतन नाम और आप सब देख रहे हैं टेक नाइट इंडिया यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका भी इंटरेस्ट पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में है तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, देरी नहीं करेंगे एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस हम सब शुरुआत करते हैं बेसलाइन से कि अगर आप एक ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं तो हम सबसे पहले लो बजट की बात करेंगे। तो लो बजट की स्टार्टिंग होती है 10,000 से 13,000-14,000 तक। तो लाइक 10,000 से 13,000-14,000 तक आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए। अब ये वाले जो ग्राफिक कार्ड आते हैं 10,000 से 14,000 की रेंज वाले ग्राफिक कार्ड, इन ग्राफिक कार्ड में आपको कौन कौन से ग्राफिक कार्ड देखने को मिल सकते हैं। इनमें आपको देखने को मिल जाता है RX 570, इनमें आपने को देखने को मिल जाता है 650 Super, आपको 650 देखने को मिल जाता है, और अब तो आपको 1650 GDDR6 वाले वेरियंट भी आपको देखने को मिल जाता है। ये ग्राफिक कार्ड कौन लगाता है? ये ग्राफिक कार्ड वो लगाता है जो बिल्ड कर रहा है लाइक 50-60,000 का बिल्ड कर रहा है, 50,000 का बिल्ड कर रहा है, जो बजट बिल्ड रहा है वो लगाता है ये ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड आपको गेमिंग करवाते हैं 1080p लो टू मीडियम सेटिंग्स की गेमिंग करवाते हैं। ये ग्राफिक कार्ड आपको वादा देते हैं 60 FPS का, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता था कि पुराने सीरीज में आपके पास थे 1050 Ti, इस प्राइस में 1050 Ti मिलता था आपको, 950 मिल जाता था, ऐसे ऐसे ग्राफिक कार्ड मिल जाते थे। बट आपने अब क्या करना है, आपने इस प्राइस में लेना है एक RX 570। अगर आपको मिल जाता है 10,000 का या 10,500 का, आप एक RX 570 परचेज कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको मिल जाता है 1650 सुपर लाइक डिसेंट प्राइस में 13,000 या 13,500 रुपीज़ 1650 सुपर मिल जाता है, तो ये दो ग्राफिक कार्ड जो है वो 14,000 की प्राइस रेंज में आपको बाय करना है। आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड बाय नहीं करना है? आपको बाय नहीं करना है 1650 के दोनों वेरियंट, GDDR5 भी बाय नहीं करना है, GDDR6 भी बाय नहीं करना है, क्योंकि दोनों वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स नहीं है। तो आपको क्या बाय करना है? आपको बाय करना है एक RX 570 एंड आपको बाय करना है एक 1650 सुपर। अब RX 570 में बाय करने के लिए आपको क्या, अगर आप मान लीजिए अगर आपका कोई पुराना PC है, ठीक है, और आपके पुराने PC की पावर सप्लाई इतनी हाई नहीं है कि यार वो RX 570 को पावर दे सके, देन आपके पास क्या बचा, देन आपके पास बचता है कि आप एक उस सिनेरियो में आप एक 1650 ले सकते हैं, क्योंकि वो जो उसके लिए आपको एक्सटर्नल केबल लगानी नहीं पड़ती, वो जो आपके PCIe 16 स्लॉट है उससे वो जो आपके ग्राफिक कार्ड जो है वो आपका पावर ले लेता है। उस सिनेरियो में आपको 1650 लगाना है, बाकी 1650 नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप अगर 1080p लो टू मिड सेटिंग्स का कोई PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली RX 570 पे जाइए, नहीं तो आप 1650 सुपर पे जाइए। तो ये बात हो गई लो बजट वाले ग्राफिक कार्ड की। अब हम आते हैं कि मीडियम बजट वाले ग्राफिक कार्ड कौन से हैं। मीडियम बजट वाले ग्राफिक कार्ड की रेंज स्टार्टिंग होती है 16-17 हज़ार से लेके वो ग्राफिक कार्ड जाते हैं 20-25 हज़ार तक जाते हैं। अब इन ग्राफिक कार्ड में आपको पुराने सीरीज में क्या देखने को मिल जाता था, पुराने सीरीज में आते थे आपका RX 580 आता था, आपका RX 590 आता था, आपका 1060 आता था। ये जो ग्राफिक कार्ड थे ये तीनों ये थे पुराने सीरीज के ग्राफिक कार्ड। अब इनकी जगह जो नए ग्राफिक कार्ड है उन्होंने ली, तो आपको RX 580 की जगह आपको 1660 Ti देखने को मिल जाता था, देन उसके बाद इस प्राइस रेंज में आपको आ गया 1660 आ गया, देन 1660 सुपर आ गया। ये तीनों कार्ड आ गए आपके एनवीडिया की तरफ से। एंड उसके बाद जो AMD की तरफ से जो कार्ड्स आए जो कि डेड ऑन अराइवल कार्ड्स थे, यानी कि मार्केट में आते ही लुप्त हो गए वो ग्राफिक कार्ड, क्योंकि उनका जो प्राइसिंग था वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस था। उन ग्राफिक कार्ड का प्राइस जो थे RX 5500 XT, RX 5600 XT, ये वाले जो ग्राफिक कार्ड थे ये वाले डेड ऑन अराइवल ग्राफिक कार्ड थे, बिकॉज क्योंकि इनका जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो था वो बहुत ही बकवास था। मतलब इनकी प्राइस काफ़ी हाई रख दी थी AMD ने, जो कि AMD नहीं करता है, और इस वजह से जो NVIDIA के कार्ड्स है वो काफ़ी अच्छे चले हैं, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास लाइक बजट है 20x20,000 का या 21,000 का, तो आपको 1660 Ti बाय करना चाहिए इजीली। ये ग्राफिक कार्ड आपको वादा देते हैं 1080p हाई सेटिंग्स ऑन 60fps का वादा देते हैं। लाइक आप अगर कोई भी गेम में 60fps आप इजीली निकाल लोगे ऑन हाई सेटिंग्स पे। तो ये वाले ग्राफिक कार्ड जो है ये मीडियम बजट के ग्राफिक कार्ड आते हैं। आपको क्या बाय नहीं करना है, आपको बाय नहीं करना है 1060 बाय नहीं करना है, आपको एक RX 590 बाय नहीं करना है, आपको RX 580 बाय नहीं करना है। ये सारे पुराने जनरेशन के ग्राफिक कार्ड हो गए हैं, आपको ये बाय नहीं करना है। आपको किसकी तरफ जाना है, आपको जाना है 1660 Ti की तरफ, आपको जाना है 1660 Super की तरफ। आप इन दोनों ग्राफिक कार्ड की तरफ जा सकते हैं या फिर आप 1660 की तरफ भी जा सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड है, जो उसकी स्टार्टिंग होती है 16-17 हज़ार से और आपको 1660 Ti मिल जाएगा 22,000 की प्राइस रेंज में। तो ये तो बात हो गई मीडियम बजट की, जो लोग पीसी बिल्ड कर रहे हैं मीडियम बजट पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि अब जो है मिड हाई बजट, मीडियम से थोड़ा ऊपर बजट का बजट है 25 to 35,000 या 40,000 का, जिनका बजट लेके चल रहे हैं, अब उनके पास कौन से ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में AMD के खाली आपको दो ग्राफिक कार्ड ही सजेस्ट करूंगा जो आप लीजिए, क्योंकि अब जो है AMD का थोड़ा मार्केट जा रहा है, ग्राफिक्स कार्ड छूट रहा है, क्योंकि AMD ने अपने नए ग्राफिक कार्ड निकाले RDNA वाले, जिनकी प्राइसिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से वो डेड ऑन अराइवल हो गए। तो आपको एक RX 570 बाय करना है जब आपका बजट 10,000 रुपीज़ हो, जो कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था। और अब मैं आपको बताऊंगा कि यार 25,000 से लेके 40,000 तक आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए। सेगमेंट में आपके पास पहले आते थे 1070 आता था, आपका 1070 Ti आता था, आपका 1080 जो 8GB वाला वेरिएंट था वो भी आपको कुछ 50,000 में मिल जाता था Amazon में डिस्काउंट में। तो आपको क्या करना है, अब इनकी जगह किसने ली, अब जो आपके 10 सीरीज की जगह थी, मतलब हाई एंड 10 सीरीज कार्ड की, उनकी जगह ली RTX सीरीज ने। आपका आ गया RTX 2060, आपका आ गया RTX 2060 Super, फिर 2070 Super, ये आ गया आपके इस प्राइस में। और उसके बाद AMD की तरफ से आया RX 5700 XT, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड है, जिसे आपको बाय करना ही चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि 25,000 के बजट में, ठीक है, लाइक अगर आपका बजट है 25 to 30,000, तो आपको एक RTX 2060 बाय करना चाहिए। आपको RTX 2060 मिल जाएगा 27,000 का या 28,000 का, आपको जो है RTX 2060 मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी डील ऑफर करता है। ये ग्राफिक कार्ड केपेबल होते हैं 2K गेमिंग के लिए, या आपको 1080p अल्ट्रा सेटिंग पे तो गेमिंग करवाते हैं, बट जब आप इस बजट पे जाते हैं तो आपको 2K 60fps का वादा मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत ही शानदार ग्राफिक कार्ड है। देन उसके बाद मैं बात करूंगा 35,000 के बजट के लिए, तो 35,000 में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था 2060 सुपर और 5700 XT के कंपैरिजन का। तो 5700 XT जो है वो बेस्ट ग्राफिक कार्ड है इस प्राइस रेंज में 35,000 में AMD का। अगर किसी बंदे को रे ट्रेसिंग में इंटरेस्ट है, नहीं उन्हें बताना है मेरे दोस्तों में कि यार हाँ मेरे पास रे ट्रेसिंग वाला ग्राफिक कार्ड है, तो आप 2060 सुपर लीजिए, बाकी उस ग्राफिक कार्ड का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको 5700 XT की तरफ ही जाना चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। मैं 2060 सुपर रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड करता हूं आप 2060 लीजिए, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड है। 5700 XT बहुत वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड है। एंड उसके बाद जब आप थोड़ा अपर जाते हैं तो 40,000 में 2070 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको कराता है 2K 60fps की गेमिंग। फिर आते हैं 2070 सुपर के ऊपर अपन, जो ग्राफिक कार्ड 45,000 से स्टार्ट होता है, तो वो ग्राफिक कार्ड केपेबल होता है आपके 4K गेमिंग रन कराने के लिए। अब हम बात करेंगे हाई एंड अल्ट्रा हाई एंड ग्राफिक कार्ड के बारे में, जो लोग लगाते हैं 2080 Ti, जिनका बजट होता है 5-5 लाख का, वो लगाते हैं 2080 Ti। अब ऐसे बंदे जिनको सब कुछ अच्छा चाहिए, वो बोल रहे हैं कि यार मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीसी कंपोनेंट्स चाहिए, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए FPS के अलावा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उनके लिए 2080 Ti होता है। अब मैं बात कर देता हूँ 2080 Ti लगाने से पहले मैं बात बता देता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि 2080 Ti लगा के और पबजी एमुलेटर खेलते हैं। भैया आपको जब यही काम करना था तो आप ये काम आप एक RX 570 में भी कर सकते हो, आप उस हार्डवेयर की बदनामी कर रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, तो लोग 2080 Ti क्यों लेते हैं, लोग 2080 Ti इसलिए लेते हैं क्योंकि वो गेम्स उनको खेलना है 4K पे 60fps अल्ट्रा सेटिंग्स पे, उनका गेम प्रिटी देखना चाहिए। लोग 2080 Ti लेते हैं स्टोरी मोड, स्टोरी लाइनअप गेम खेलने के लिए, ताकि आपको गेम अच्छा दिखे, आपको डिसेंट फ्रेम्स मिले, आप उसमें रे ट्रेसिंग ऑन करें, गेम खूबसूरत दिखे, इसलिए जो है 2080 Ti ग्राफिक कार्ड होता है। तो वेल आज के इस वीडियो में आपको पूरा समझ आ गया होगा, कि वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन सा ग्राफिक कार्ड आपके लिए है और कौन सा आपको बाय नहीं करना चाहिए। आपको 10 सीरीज का कोई ग्राफिक कार्ड जो है इस वक्त बाय नहीं करना है, क्योंकि वो सारे एक्सपायर हो चुके हैं। और RX 500 सीरीज का भी खाली आपको 570 बाय करना है, जो कि अंडर 10,000
₹50 अगर आपको मिलता है तो वो आपको बाय करना है। मैं खुद एक RX 580 यूजर हूँ, बट मैं अब रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप RX 580 बाय कीजिए, क्योंकि मार्केट में और भी अच्छी चॉइसेस हैं उस प्राइस में। ठीक है, माना कि प्राइसेस काफी कम हो चुकी है 10 सीरीज की, 500 सीरीज की, बट आप ना ही ले तो अच्छा है। आप 1660 सुपर की तरफ जाइए, 1660 Ti की तरफ जाइए। आपका बजट हाई है तो 2070 सुपर लीजिए, आप 5700 XT लीजिए, आप 1650 सुपर लीजिए। वेल सो गाइस, आज का पूरा वीडियो देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि यार कौन सा ग्राफिक कार्ड आपके लिए है। अगर नहीं भी आया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके और समझा दूंगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट DM करके मुझसे पूछ लीजिएगा तो मैं वहां पर भी आपको बता दूंगा। तो आज का वीडियो था वो इतना ही था, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।